अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 66। आज के इस लेसन में हम देखेंगे 3D मॉडलिंग में रिवॉल्व एंड स्वीप कमांड का यूजेस। रिवॉल्व और स्वीप कमांड कैसे यूज होती है और इसके क्या क्या फायदे हैं और आप इससे क्या क्या काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ऑपन करता हूँ। ओके, ऑटो कैड में स्विच आइसोमेट्रिक व्यू है, शेडेड ग्रे है और 3D मॉडलिंग पे काम कर रहे हैं। यूनिट इसकी जो है वो सेट की हुई है, इंजीनियरिंग यूनिट है, 0 फुट 0 इंच यूनिट्स हैं इसकी। और आज के इस लेसन में हमने जो काम करना है वो एक्सट्रूड में नीचे रिवॉल्व एंड स्वीप का फंक्शन है। तो रिवॉल्व और स्वीप का फंक्शन क्या होता है ये आपको मैं बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे ये काम करना है कि आप स्विच आइसोमेट्रिक में आपने टॉप पे क्लिक करना है, कि टॉप पे आगे और यहां पे आप लाइन ले, एल एंटर करता हूं मैं, F8 प्रेस करता हूं। ओके, अब मैंने ये जो लाइन ली है, अब मैं चाहता हूं इस लाइन में मैंने रिवॉल्व कमांड यूज करनी है। तो रिवॉल्व कमांड का फंक्शन ही होता है कि आपके ऑब्जेक्ट या आपने जो भी चीज बनाई है तो आप चाहते हो कि वही शेप बिल्कुल ये राउंड शेप में रिवॉल्व हो जाए, तो उसके लिए आप रिवॉल्व कमांड यूज करते हो। अब इसमें मैं पॉली लाइन एंटर करता हूँ आपको इजीली ताकि समझ आ जाए। F8 प्रेस करता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे आर्क दे एंटर करता हूँ मैं। ओके, अब फिर मैं इसके एल एंटर करता हूँ पॉली लाइन के लिए, एल एंटर, और यहां से फिर मैं आर्क एंटर करता हूँ, एंटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जी, देख सकते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया है, क्लिक करके मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ। ओके, अब ये जो ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया है तो इसके लिए अब मैं इसे, मैं चाहता हूँ कि ये अब यहाँ पे मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं स्विच आइसोमेट्रिक में लेके जाता हूँ, SW आइसोमेट्रिक में, या SE आइसोमेट्रिक या SW, आपकी मर्जी, आप जिसमें भी लेके जाना चाहते हैं। ओके, अब इसको देखिएगा कि इसमें मैं क्या करता हूँ। इसको अब मैं यहाँ से रिवॉल्व का फंक्शन लेता हूँ, रिवॉल्व रिवॉल्व कमांड यूज करता हूँ। तो रिवॉल्व पे क्लिक करता हूँ, इस एरिया को मैं रिवॉल्व करना चाह रहा हूँ सिर्फ। अब इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक या एंटर करने या स्पेस प्रेस करने, स्पेस प्रेस करता हूँ और कहाँ से कहाँ तक रिवॉल्व हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या हो जाए, रिवॉल्व हो जाए। तो अब देखें तो आपको रिवॉल्व की समझ आ गई होगी कि रिवॉल्व का फंक्शन क्या होता है, देख सकते हैं। और एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हुआ है, देख सकते हैं आप। ओके, अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एल एंटर करता हूँ F8 प्रेस करके। यहाँ पे मैंने एल एंटर किया और मैं 5 फिट की लाइन लगाता हूँ या फिर 10 फिट की लाइन लगाता हूँ। एल इंटर 10 फिट एंटर। दो फिट एंटर, 10 फिट एंटर, 2 फिट एंटर। ओके, यहां पे मैंने जो लाइन लगाई, अब मैंने यहां पे ये काम करना है, F7 प्रेस करके मैं इसको हाइड कर देता हूं, ये जो गाइडलाइंस है। ओके, अब मैं यहां पे इस तरह करता हूं कि मैं एक एल एंटर करता हूं सेंटर से, या हाँ एल एंटर क्या, सी एंटर करता हूं इस पॉइंट से,
ओके और अब मैं इसको फॉर एग्जांपल एम कॉपी करता हूँ, सी पी एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, और यहाँ से इसको एक में कॉपी यहाँ पे बना देता हूँ इसकी, और एक कॉपी में यहाँ बना देता हूँ इसकी। ट्रिम कमांड यूज़ करता हूँ, पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर ट्रिम कमांड यूज़ करूँगा। ट्रिम ट्रिम के लिए टी आर डबल इंटर, सॉरी कंट्रोल जेड, सिस्टम हैंग हो गया मेरा। दोबारा मैं ओपन करता हूँ, सिस्टम ऑफ हो गया था। तो ये कमांड भी बहुत ज़बरदस्त कमांड है जिससे आप 3D रिवॉल्व ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जिस तरह आपने कोई ग्लास बनाना है, कोई राउंड शेप की कोई भी चीज़ बनानी है, तो आप इस कमांड के थ्रू बना सकते हैं। और नेक्स्ट जो इसके साथ ही स्वीप कमांड है, तो स्वीप कमांड भी बेसिकली काम यही करती है, वो भी सर्कल आपकी जो शेप होती है उस शेप को मूव करती है किसी भी पाथ में। तो इन दोनों कमांड का फंक्शन एक जैसा ही होता है। यू एन एंटर, आर्किटेक्चर 0.0 इंच, ओके, स्विच आइसोमेट्रिक व्यू में, ओके, एल इंटर, F8 प्रेस करता हूँ, दस फिट, तीन फिट, दस फिट, तीन फिट, ओके, जेड स्पेस ए स्पेस, सेंटर में से एल एंटर करता हूँ, मैं सी एंटर करता हूँ, ट्रिम करता हूँ टी आर डबल इंटर, टी आर डबल इंटर, और यहाँ पे इसमें एक और सर्कल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सी एंटर करता हूँ, इस पॉइंट से मैं एक सर्कल लेता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, सी पी एंटर, और इसी सर्कल को मैं मूव करता हूँ दूसरी साइड पे भी, ओके, ट्रिम टी आर डबल इंटर, यहाँ से यहाँ तक ट्रिम, इसको भी यहाँ से यहाँ तक ट्रिम। अब मैं इस चीज़ को रिवॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो देखिएगा कि इसका रिवॉल्व कैसे होगा। UCS आइकन को अपने ओरिजिन पॉइंट में UC एंटर करता हूँ, डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट एंड ओके। अब देखिएगा रिवॉल्व का फंक्शन। तो रिवॉल्व के लिए आप 3D रिवॉल्व के लिए आप यहाँ पे एक्सट्रूड में जाएं और रिवॉल्व पे क्लिक करें। किस ऑब्जेक्ट को मैं रिवॉल्व करना चाह रहा हूँ, इसको जिस जिस ऑब्जेक्ट है जिस जिस एरिया को अपने रिवॉल्व करना है उसको सिलेक्ट करें, ओके, स्पेस प्रेस करें, और इसको रिवॉल्व करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, शेड दें इसको, SHAD शेड लिखें। तो अब देखें हमारे पास क्या हुआ है, ये रिवॉल्व हो गया ऑब्जेक्ट। अब देख सकते हैं जिस शेप में आपने इसको रिवॉल्व करना चाह रहे थे उसी शेप में रिवॉल्व हो गया। और अब मैं फॉर एग्जांपल एल एंटर करता हूँ, देखिएगा अब मैंने सिर्फ उस इस एरिया को मैंने रिवॉल्व किया। अब मैं रिवॉल्व दोबारा करना चाह रहा हूँ पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को, तो मैं रिवॉल्व पे क्लिक करता हूँ और सारे के सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ओके, अब राइट क्लिक करता हूँ या एंटर करता हूँ, और अब देखिएगा रिवॉल्व कर रहा हूँ,
90 आप लिख 90 कर दें, इंटर करें, तो ये भी रिवॉल्व हो गया शेड। देखते हैं, तो आप मुख्तलिफ तरीकों से आप अपने ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व कर सकते हैं, और यही आप इसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल मैं इसको खड़ा करके भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ रिवॉल्व। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, एंटर करता हूँ मैं, ट्रिम टी आर डबल एंटर, रिवॉल्व, देखें अब जितना ज़्यादा आप इसे मूव करेंगे देखिए उतना ज़्यादा रिवॉल्व हो रहा है, देख सकते हैं। देखें जितना मैं मूव कर रहा हूँ उतना रिवॉल्व हो रहा है। मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और रिवॉल्व ज़ीरो मैंने किया हुआ है, ओके करता हूँ मैं, तो अब देखिए आप यहाँ पे इस तरह रिवॉल्व हो गया। शेड देखे देखें, तो ये था जी रिवॉल्व का फंक्शन और रिवॉल्व कमांड का फंक्शन। तो इस पर हम जब कंप्लीट हम एक और काम जब करेंगे कंप्लीट, तो आपको तब भी पता चल जाएगा इसका क्या फंक्शन है। फिर मैं रिवॉल्व के ऊपर आपको कुछ बताता हूँ। रिवॉल्व कमांड में फिर मैं क्लिक किया और यहाँ पे सॉलिड है, सरफेस है, आप यहाँ पे इसको पहले सिलेक्ट करें, देखिएगा इसमें कुछ ऑप्शन दे रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें, एंटर करें। अब आपसे यहाँ पे कह रहा है कि एक्स 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 वाई और जेड तीनों ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करना है। मैं यहाँ से फर्स्ट पॉइंट पे जब क्लिक करता हूँ और लास्ट पॉइंट में जब लेके आता हूँ मैं, अब मुझसे एंगल मांग रहे हैं कितने एंगल पे आप इसको रिवॉल्व करना चाह रहे हैं। एंगल है, रिवर्स है, एक्सप्रेशन है, देखें रिवर्स दे रहा है, स्टार दे रहा है, एंगल दे रहा है। तो एंगल में जीरो एंगल देता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल जीरो एंगल देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए ग्राउंड शेप कंप्लीट बन गई है। 360 देंगे तब भी ऐसी शेप बन जाएगी। और अगर आपने एंगल कोई और देना है, आप एंगल देते हैं जी, अगर कोई और एंगल देते हैं आप 90 देते हैं, 30 देते हैं, तो 90 या 30 के एंगल पे आपको रिवॉल्व करके बताएगा। अब इसको रोटेट करते हैं, खड़ा करना चाह रहे हैं तो रोटेट करें, रोटेट के लिए आप कमांड यूज़ करते हैं रोटेट, आर ओ एंटर करें। आर ओ में आप देखें रोटेट 3D का ऑप्शन है, रोटेट 3D के लिए आप अपने पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, कौन से एरिया पर रोटेट करना है, इस एरिया पर रोटेट करना है, कितना रोटेट करना है, 90 डिग्री पर रोटेट करना है। तो अब देखें ये आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट खड़ा हो गया। तो ये आज हमने रोटेट के ऊपर भी डिस्कस कर लिया और रिवॉल्व कमांड के ऊपर भी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट आपके पास जो कमांड है वो है स्वीप की कमांड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इसके ऊपर हम कंप्लीट डिस्कस भी करेंगे। स्वीप कमांड होती है आपकी, फॉर एग्जाम्पल आपने, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं होम में यहाँ से ड्रॉ में जाके, तो मैं यहाँ पे हेलिक्स कमांड अप्लाई करता हूँ। हेलिक्स कमांड पे क्लिक किया मैंने, तो मुझसे रेडियस मांग रहे हैं, तो मैं इसे देता हूँ 5 फिट, हैंड भी मांग रहे हैं वो भी मैं 5 फिट देता हूँ, इसको लेंथ मांग रहे हैं तो मैं उसको देता हूँ फॉर एग्जांपल इतनी देता हूँ, ओके। अब इसके ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे मैं फॉर एग्जांपल सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर करता हूँ, सी एंटर किया। अब सी मेरा देखें कौन सी पोजीशन में, नीचे हमारे पास है ये 3D में, ये मतलब 90 डिग्री में नहीं है, 0 डिग्री में हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इसको भी आप रोटेट करने के लिए, आप 3D रोटेट के लिए आर ओ एंटर करेंगे, रोटेट 3D सेलेक्ट करें, इसको राइट क्लिक करें, कितना रोटेट करना है, 90, एंटर। 90 का रोटेट करने के बाद अब इसको मूव करता हूँ मैं और यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखें आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो है, आपके पास नेक्स्ट जो कमांड है वो है स्वीप की कमांड, तो स्वीप पे क्लिक करें। आपसे कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, कौन सा ऑब्जेक्ट मैंने स्वीप करना है, ये ऑब्जेक्ट मैंने स्वीप करना है। अब कह रहे हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप और, अब हमसे अब ये तो सिलेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट, अब मैंने इस एरिया पे स्वीप करना है, तो अब मैं एंटर करता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, एंटर करता हूँ। अब मुझे कह रहे हैं सिलेक्ट स्वीप पाथ, पाथ कौन सा देना है, तो मैंने ये वाला पाथ देना है, पाथ जो ही मैं दूंगा तो देखिएगा ये इस पाथ पे क्या करेगा, स्वीप कर लेगा। अब देखें, अब देख सकते हैं ये कमांड आपके पास स्वीप की काम कमांड है,
जो कि बहुत ज़बरदस्त कमांड है, देख सकते हैं। अब इसको फॉर एग्जांपल और भी बड़ा बनाना चाह रहे थे लेकिन कम हो गया, तो उसके लिए आप इसको क्या करेंगे, आप सी पी एंटर करें, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इसके इस कॉर्नर से उठाएं, इसके सेंटर पॉइंट से उठाएं, ओके, और यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे लगा दें। सेंटर पॉइंट का कहाँ पे, ओके, लगा दिए, देख सकते हैं। फिर उठाएं, उठा के इसके सेंटर पॉइंट में यहाँ पे लगा दें, तो देखें कितना ज़बरदस्त हमारे पास ऑब्जेक्ट एक बन गया, देख सकते हैं स्प्रिंग की शेप बन गई है। तो ये फंक्शन था स्वीप का। अब स्वीप को कोई भी एरिया, कोई भी पाथ आप दे के बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एल एंटर पॉलीलाइन लेता हूँ, पी एल एंटर करता हूँ, एक के लिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से ये वाला एरिया लिया, यहाँ से ये वाला एरिया लिया, ये एरिया लिया, ये एरिया लिया, ये लिया, यहाँ पे आर्क ले लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल, फिर यहाँ से एक आर्क ले लिया मैंने, एल एंटर, ये एरिया लिया, ओके। अब यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ जी, रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, इस रेक्टेंगल को 3D में रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो आर ओ एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और 90 एंटर करता हूँ, सॉरी आर ओ रोटेट 3D, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, 90 एंटर करता हूँ, अभी मूव नहीं हो रहा, तो इसके लिए एक और तरीका, आप यहाँ पे देखें 3D रोटेट है, इसको आप क्लिक करें और इसको आप मूव कर लें यहाँ से, जितना मूव करना है आपने, तो इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, ओके, मूव हो गया जी। अब इसको मूव करता हूँ, एम एंटर करता हूँ, सेंटर पॉइंट लिया मैंने इसको, यहाँ पे सर जोड़ दिया, और अब इसको भी मैं स्वीप देता हूँ, देखिएगा स्वीप की कमांड दी, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, सॉरी स्वीप, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, पाथ देता हूँ, देखें जरा उस पाथ के ऊपर इसने क्या कर लिया, स्वीप कमांड अप्लाई कर ली। तो ये होता है जी स्वीप कमांड का फंक्शन, जो कि बहुत ज़बरदस्त कमांड है। और उसके अलावा आज हमने रिवॉल्व कमांड और स्वीप कमांड के ऊपर डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों लेसन की समझ आई होगी और आपको बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टेड लगे होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।